गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने जाना कि तार्किक द्वार क्या होते हैं। उसके बाद धनात्मक तर्क एवं ऋणात्मक तर्क क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने जाना था। इसके साथ ही एंड गेट का भी अध्ययन किया था कि एंड गेट की संक्रिया क्या होती है, उसका सिंबल क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है, कोई आपसे पूछे कि तार्किक द्वार क्या होते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के तार्किक कथनों को जिन सर्किट के द्वारा दर्शाया जाता है वो लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। इनको संक्रिया बोलते हैं या लॉजिक ऑपरेशन कहलाते हैं, तार्किक संक्रिया कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये संक्रियाएं, या मैं कहूँगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये संक्रियाएं या ये गेट तीन प्रकार के होते हैं, एंड गेट, ओआर गेट एवं एंड गेट। पिछली क्लास में अपन ने एंड गेट का अध्ययन किया था। एंड गेट में जो बूलियन इक्वेशन आती है वो अपने पास थी ए डॉट बी। ए और बी यहाँ पे निवेशी संकेत को रिप्रेजेंट करता है, वाई यहाँ पे निर्गम संकेत को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ए और बी एक डिजिट के रूप में इंफॉर्मेशन लिए रहते हैं, डेटाज हैं, या तो वन होगा इनका मान या जीरो होगा। वन और जीरो क्या है, इसकी चर्चा भी अपन कर चुके हैं कि वन और जीरो बाइनरी नंबर्स होते हैं। वन वैसे तो अपन कहें कि ऑन कंडीशन को, जीरो ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है धनात्मक तर्क में, लेकिन वन और जीरो तर्क कोई भी हो एक इन्फॉर्मेशन रखती है, एक सिग्नल रखती है, और सिग्नल्स तो अपने पास इन्फॉर्मेशन लेके आता है। लेकिन वन क्या है, ये प्री डिसाइडेड रहता है कि वन यहाँ पे ये व्यक्त करेगा, इस कथन को व्यक्त करता है वन, इस कथन को व्यक्त करता है जीरो। ए और बी दो अपन ने इनपुट सिग्नल लिए हैं, ये तो समझने के लिए लिए हैं। इन निवेशी संकेतों का मान दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन निर्गम संकेत हमेशा एक ही होगा, या तो वन होगा या जीरो होगा। आज अपन ओआर गेट एवं नोट गेट का अध्ययन करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, आपका पहले भी पढ़ा हुआ बारहवीं क्लास में, कि ये जो सिंबल है ओआर गेट को रिप्रेजेंट कर, आज जो अपन जो अध्ययन भी करेंगे ओ आर गेट एवं नोट गेट का करेंगे। ये है ओ आर गेट जिसका सिंबल आप देख रहे हैं। यहाँ पे ए और बी निवेशी संकेत हैं तथा निर्गम संकेत, यहाँ एक्स लिया तो निर्गम संकेत मैंने वाई लिया, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, डिनोट करता है कि एक्स यहाँ पे निर्गम संकेत है। अब ये जो निवेशी संकेत है दो से अधिक हो सकते हैं, यहाँ पे दो दर्शाए मैंने बताया समझाने के लिए। इसकी जो बूलियन इक्वेशन होगी वो इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी से डिनोट की जाती है, यानी कि संक्रिया का जो सिंबल अपने पास आता है वो प्लस से रिप्रेजेंट होता है, और एंड गेट में किससे था, डॉट से था। अगर अपने पास तीन संकेत है तो अपन लिखेंगे इसका बूलियन इक्वेशन कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर चार हैं तो प्लस डी, इसी प्रकार से आगे अपन प्लस प्लस करते जाएंगे। इसको एक परिपथ के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करें, इसको समझें, फिर इसकी सत्यमान सारणी अपन दर्शाएंगे। ये परिपथ आप देख रहे हैं, ये परिपथ एक ओ आर गेट की भांति मान के चलते हैं, कल्पना करते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जैसा आप देख रहे हैं, ये बैटरी है, बड़ी लाइन प्लस को रिप्रेजेंट करती है, छोटी माइनस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ए और बी वैसे तो कुंजियाँ हैं जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन अपन मानते हैं कि ए और बी यहाँ पे संकेत हैं, कल्पना के आधार। जो बल्ब है ये बल्ब अपने पास निर्गम को व्यक्त करता है, कि अपने को रिजल्ट क्या मिलता है, निर्गम संकेत, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, तो बल्ब को अपन मान रहे हैं कि अपने पास निर्गम संकेत को
व्यक्त करता है। अब देखिएगा, अपन माने कि ए इज इक्वल टू अगर 1 है एंड बी इज इक्वल टू 0 है। पहले तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए यानी कि कुंजी अपने पास है ए वाली ऑन ऑफ स्टेट में जुड़ी हुई है, बी अपने पास ओपन है, बी 0 बी कुंजी खुली हुई। तो आप सर्किट में देखिएगा कि ये ए और बी कुंजी पैरेलल रूप से जुड़ी हुई है। इनमें से यदि एक भी कुंजी अगर अपने पास जुड़ी हुई है यानी कि ऑन स्टेट में है तो करंट फ्लो होगी तथा बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास 1 स्टेट। इसी प्रकार से सेकंड केस ले कि नहीं ए इज इक्वल टू अपने पास 0 हो और बी इज इक्वल टू अपने पास, थोड़ा इसको अपन मिटाएं, अपन सेकंड केस ले रहे हैं कि अब ए इज इक्वल टू अपने पास हो 0 यानी कि पहले वाले का अपोजिट ले रहे हैं और बी इज इक्वल टू 1 हो। इससे भी आप देखोगे कि बी इज इक्वल टू 1 यानी कि कुंजी अपने पास जुड़ी हुई है, जुड़ी है तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 स्टेट में। इसके बाद थर्ड केस अपन लें कि दोनों कुंजी जुड़ी हुई हो, इसका मतलब ए इज इक्वल टू अपन 1 लें और बी इज इक्वल टू 1 लें, यानी कि ये भी ऑन स्टेट में है, ये भी ऑन स्टेट में, करंट फ्लो होगी, यहाँ से जो करंट जाती है प्लस से माइनस, करंट इसमें फ्लो होगी, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा इसका मतलब क्या है एक्स इज इक्वल टू 1 स्टेट में। एक्स यहाँ पे क्या निर्गम संकेत, वाई मान लो या एक्स मान लो, तीन केस हो गए। तीनों केसेस में बल्ब जल रहा है, लेकिन लास्ट केस में अपन माने कि ए इज इक्वल टू 0 हो और बी इज इक्वल टू 0 हो। अब ए इज इक्वल टू 0 एवं बी इज इक्वल टू 0 इसका मतलब ये कुंजी भी ओपन है, ये कुंजी भी ओपन है, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, आई जो अपने पास है वो क्या होगी 0, फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे आई फ्लो नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो अपन मान रहे हैं ये तो निर्गम संकेत है, ये भी 0 होगा, तो फोर्थ वाले केसेस में अपने पास 0 होगा। तो ये जो ओआर गेट है उसकी संक्रिया को सिंपल अपन दर्शाते हैं ए प्लस बी से। प्लस तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ओआर गेट काम कर रहा है, रिजल्ट अपने को ये मिलता है। अभी जो लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल अपने पास जो कहें कि संभावना जो अपने पास आई है और सत्य है अपने पास, अपने देख भी रहे हैं कि ये केसेस होंगे तो अपने पास ये रिजल्ट मिलेगा। अब इन सभी तार्किक जो कथन अपने पास आए हैं, संभावित जो भी कथन अपने पास बनते हैं, इनको जिस टेबल के फॉर्म में दर्शाते हैं वो ट्रुथ टेबल कहलाती है, सत्यमान सारणी। कोई ये पूछे कि सत्यमान सारणी क्या होगी, तो आपका आंसर यही होगा कि लॉजिक गेट्स में जिन संभावनाओं को एक टेबल की फॉर्म में दर्शाया जाता है वही सत्यमान सारणी कहलाती है। तो इसकी सत्यमान सारणी कैसे लिखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में देखें। इसकी संक्रिया को सिंपल एक्स प्लस ए प्लस बी से दर्शाते हैं, दो ही संकेत अगर अपन लें, ज़्यादा लेंगे तो प्लस सी या प्लस डी, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब जो सत्यमान सारणी इसको देखेगा, दो ही संकेत अपन लेके चल रहे हैं तो अपने पास चार संभावनाएं बनती हैं, तीन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बनेगी, चार लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बनेगी, अलग अलग केसेस बनेंगे। तो यहाँ पे जो अपन दो निवेशित संकेत ए और बी लिया, जिसकी चर्चा अपन ने ऊपर की, एक बार 0 0 माना, फिर एक को 0 माना, दूसरे को 1, फिर पहले को 1 दूसरे को 0, फिर दोनों को 1 1 माना, तो रिजल्ट अपने को जो मिल रहा है निर्गम संकेत में वो अपन ने यहाँ पे दर्शा दिया 0 1 1 1। अब इस सत्यमान सारणी से आप देखोगे इसे क्लियर है कि यहाँ पर क्या क्लियर होता है कि एक्स इज इक्वल टू 1 होगा इफ यदि किस कंडीशन में, आइदर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1 हो, और ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1, यानी कि यदि कोई एक भी निवेशी संकेत 1 अवस्था में है तो निर्गम संकेत 1 अवस्था में होगा। तो सबसे पहले जब अपन ओ आर गेट में लिखेंगे उसकी संक्रिया में, उसमें अपन ये लिखेंगे कि ओ आर गेट में यदि कोई एक भी निवेशी संकेत 1 अवस्था में है तो निर्गम संकेत 1 अवस्था में होगा या ऑन अवस्था में होगा, इंपॉर्टेंट ये। फिर उसके बाद अपन ये करते हैं, ये अपने पास हुआ ओ आर गेट।
इसके बाद अपन लेते हैं नोट गेट। नोट गेट वैसे तो छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी है। कैसे है वो आपको बताएंगे कि नोट गेट जो अपने पास है इसको क्या क्या कहते हैं। पहले तो ये देखिए, नोट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, प्रतिलोमक परिपथ भी कहते हैं, पूरक गेट भी कहते हैं, पूरक द्वार, कंप्लीमेंट्री गेट भी कहते हैं, कंप्लीमेंट्री गेट प्रतिलोमक द्वार की तरह से, नए द्वार भी कहते हैं, इंग्लिश में नोट गेट लिखते हैं, प्रतिलोमक द्वार, इन्वर्टर सर्किट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसका सिंबल अपन कहें, सिंबल इसको दो प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसके सिंबल को एक तो अपने पास है इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप डायोड बनाते हो, ये लाइन की अपेक्षा यहाँ पे डॉट दर्शा दो, ये भी अपने पास क्या है, नोट गेट। दूसरा इस प्रकार से लाइन खींच के एक बीच में लाइन ये दर्शा दी दिस, ये भी नोट गेट को एक लाइन और दर्शा देंगे ऐसे, बीच का जो भी सिंबल इस प्रकार से आ रहा है अपने पास, ये जो सिंबल है ये नोट गेट को व्यक्त करता है। जहाँ पे रिक्तिकाई जैसा सिंबल बन जाता है परिपथ में, ये अपने पास होता है सिंपल बाह्य परिपथ के लिए, ये अपने पास होता है आंतरिक परिपथ के लिए। जब परिपथ जुड़ा रहता है तो वहाँ पर इस प्रकार से डॉट जो अपन दर्शाते हैं बीच में, तो वहाँ इसका मतलब वहाँ पे नोट गेट जुड़ा हुआ होता है। अब इस सिंबल से आपको मालूम है कि यहाँ पे निवेशी संकेत ओनली वन होगा, एक ही निवेशी संकेत होगा, और निर्गम संकेत तो वन ही होता है। निर्गम संकेत एक्स या वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें एक्स इज इक्वल टू ए बार, या इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए डैश, अलग अलग सिंबल से ए बार कह दो या ए डैश कह दो, एक ही बार है। ए बार या ए डैश क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ दिस ए, एक कम या पूरक या इसका प्रतिलोमक। तो इसका पूरक या प्रतिलोमक क्या होता है, अगर ए इज इक्वल टू अपन वन लेके चलते हैं, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अगर ए इज इक्वल टू अपन जीरो लेके चलें तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वन, इसका अपोजिट, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री गेट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर संकेत अपन ने वन दिया ऑन स्टेट का, अगर अपने को ऑफ स्टेट चाहिए किसी सर्किट में, अप डाउन की जो अपन कहें अगर जरूरत पड़ती है, तो दिस नोट गेट इज इंपॉर्टेंट, कि वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग है, छोटा है लेकिन बहुत काम में आता है, आगे इसका इंपॉर्टेंस अपन देखेंगे। ये अपने पास होता है नोट गेट। अब इसका भी एक परिपथ के द्वारा समझें, तो परिपथ जो अपने पास बनेगा इस नोट गेट का, वो इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं बैटरी लगी हुई है, अब इसमें एक कुंजी बीच में जोड़ दी गई है, तथा वो जो बल्ब अपने पास है, वो बल्ब यहाँ पे निर्गम संकेत को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुंजी ए डिनोट किया ये निवेशी संकेत को व्यक्त कर रहा है, ये अपने पास बैटरी है, प्लस माइनस एक विजुअलाइजेशन है, कल्पना है, इस प्रकार से परिपथ हो सकता है। अगर अपन ए इज इक्वल टू जीरो माने, देखिएगा ए इज इक्वल टू जीरो यानी कि कुंजी जो अपने पास है ओपन है, ओपन है तो करंट यहाँ से जा रही है, तो बल्ब में से तो करंट फ्लू होगी, बल्ब में से करंट फ्लू होगी यानी कि बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन। लेकिन ए इज इक्वल टू अगर वन हो, ए इज इक्वल टू अगर वन हो, इसका मतलब कुंजी अपने पास ऑन स्टेट में है, ऑन स्टेट में है तो सारी करंट अपन कहें कि यहीं से फ्लू हो जाएगी, यहाँ पे एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, समझिएगा। बल्ब अपने पास एकदम से करंट यहाँ गई सारी, तो बल्ब में प्रॉपर करंट नहीं पहुँच पाती, नहीं पहुँच पाती, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, इस परिपथ के द्वारा इसको अपन दर्शा सकते हैं। अब इसकी सत्यमान सारणी को भी इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। सत्यमान सारणी में अपने पास दो ही अपने पास कथन आते हैं, इन कथनों को अपन टेबल के फॉर्म में दर्शा सकते हैं कि निवेशी अगर अपने पास जीरो है तो निर्गम वन, निवेशी अगर अपने पास वन है तो निर्गम जीरो। इसकी जो बूलियन इक्वेशन है उस समीकरण को अपन दर्शाते हैं, वाई या एक्स इज इक्वल टू एक्स लेके चलते, एक्स इज इक्वल टू ए बार, या पूरक भी कहते हैं, ए का पूरक, बी का पूरक, सी का पूरक, या ए बार निकल के ए डैश भी व्यक्त कर देते हैं, ये अपने पास क्या हो गया, बूलियन इक्वेशन। आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद जो अपन देखेंगे एक गेट और चर्चा आएगी, जिसमें अपन कहेंगे एक्स ओ आर गेट जो अपने पास काम में आएगा, कि एक्स ओ आर गेट क्या होता है।
वैसे तो 12वीं क्लास में आपने नाम सुना होगा XOR गेट, XOR गेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस बाद में अपन देखेंगे जब काम में आएगा, लेकिन यहाँ चूंकि OR गेट काम में आ रहा है जो अपन ने अभी आज अध्ययन किया है, तो OR गेट में अपने देखा कि चार स्टेटमेंट अपने पास आए। चार स्टेटमेंट में अपने पास ये है कि A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1 हो तो x भी अपने को क्या मिलता है, 1। ये 1, ये 0 है तो भी 1 मिलेगा, ये 1 तब भी 1 मिल रहा है OR गेट में। लेकिन XOR गेट में यदि सभी निवेशी संकेत 1-1 अवस्था में हो, यानी कि A1 और B1 हो, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। XOR गेट में एक संक्रिया काम में आती है, इसलिए इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। XOR गेट, XOR गेट की जो संक्रिया अपने पास रहेगी वो रिप्रेजेंट की जाएगी ए प्लस इन सर्किल की, एक सर्किल के अंदर प्लस का सिंबल रहेगा, ये सिंबल बी, जहाँ प्लस का सिंबल इन सर्किल है, इसका मतलब वहाँ पे XOR गेट काम में आ रहा है। और XOR गेट की संक्रिया क्या होगी, वैसे तो OR गेट के समान है, लेकिन यदि सभी संकेत 1 स्टेट में हो तो निर्गम संकेत 0 स्टेट में होगा, एक इम्पोर्टेंट अपने पास है। ये 1-1 अगर है तो XOR गेट में x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसका जो सिंबल है वो भी थोड़ा, XOR गेट का जो सिंबल है वो वैसे तो OR गेट की तरह से है, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, OR गेट का सिंबल इस प्रकार से कर्वेसिस करके ये अपन ने किया, लाइन को किया, ये अपने पास है OR गेट का सिंबल। लेकिन यहाँ पे कर्वेसिस को इस प्रकार से अगर अपन कर दे डबल लाइन पे, ओके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, XOR गेट के सिंबल को, ये संकेत है दिस दिस, ये माना कि अपने पास ए है, ये माना कि अपने पास बी है, आउटपुट जो अपने को मिलता है एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस इन सर्किल बी, इसकी संक्रिया प्लस इन सर्किल, जो प्लस का सिंबल है सर्किल के अंदर आता है, और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, सेम सिग्नल्स अपने पास आते हैं तो निर्गम में अपने को 0 मिलेगा। आगे अपन देखेंगे, थैंक यू।